Yes, students, in this chapter, I have discussed with you problems of Weimar Republic. Many problems were faced by Weimar Republic when Weimar Republic that signed the Treaty of Versailles, economic crisis, depression, and effects of Weimar Constitution. Now, second, we will read further about the popularity. राइज ऑफ हिटलर, पॉपुलैरिटी कैसे हुई हिटलर की, राइज कैसे हुआ, चाहे वो नाजीज्म कह लो, ठीक है, चाहे वो हिटलर का राइज कह लो या हिटलर की पॉपुलैरिटी कह लो, पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर या राइज ऑफ नाजीज्म एंड हिटलर, कि हिटलर पावर में कैसे आया, ठीक है, तो दैट इज योर पैकेट साइज क्वेश्चन आल्सो साइड बाय साइड. How Nazism became popular? कैसे Nazism popular हुआ? And कौन कौन से factors ऐसे थे जिनके कारण Hitler Germany में power में आया और popular हुआ? ठीक है? तो इसमें बच्चे सबसे पहले हमने जो हमारा पिछला question था ना, हमने उसी को ही base बना. मतलब जब भी कोई question आप start करते हो, answer start करते हो, तो आप थोड़ा सा आप उसकी introduction आप देते हो, है ना? तो इसमें आपने सबसे पहले ये बताना है कि अगर हिटलर पॉपुलर हुआ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कंट्री की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और वीक जो पॉलिटिक्स थी उसके कारण. हमने पहले थोड़ा पीछे का बेस बताना है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इसका मतलब क्या है, that when Weimar Republic they signed the Treaty of Versailles, they had to face many kind of problems. Short में बताओगे terms, ठीक है? The areas which they given to winner countries, coal mines, iron mines, 6 billion compensation was imposed. And due to this, they were regarded as November criminals and clashes. इनके बीच में clashes होते रहते थे. क्योंकि Weimar Republic जो थी, that was a coalition government, majority government नहीं थी. It was combined with the maximum small parties. ठीक है, यानी कि जर्मनी में कोई एक पार्टी नहीं थी मेजोरिटी में. मैनी में स्मॉल पार्टीज दे ज्वाइन हैंड्स एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट. और जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि लीडर्स जो हैं उनके आपस में क्लैशेज होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, जिसके कारण कंट्री की डिवेलपमेंट की तरफ जो है वो गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता. और ऑलरेडी दे वर फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस, बर्डन ऑफ लोन्स, डिप्रेशन. यूएसए ने जो उनको डेडलाइन दे दी थी लोन्स लेते करने, तो ड्यू टू दिस वी कैन से दैट 20 टाइम्स गवर्नमेंट वॉज चेंज, 20 टाइम्स गवर्नमेंट चेंज मतलब मिनिस्टर्स दे कीप ऑन चेंजिंग. डिपार्टमेंट का कोई भी एक ऐसा हेड नहीं था जो उस डिपार्टमेंट की प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके. मिनिस्टर्स चेंज होते रहते थे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर टाइम पीरियड 1930 तक मैनी टाइम्स मिनिस्टर्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव दे चेंज, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस वी कैन से दैट इट लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. और इसका फायदा किसने उठाया, हिटलर. सेम ऐसे ही जैसे आपने लेनिन के टाइम पीरियड में पढ़ा था कि लेनिन ने करेंसी की वीक कंडीशन का फायदा लेकर अप्रैल थीसिस इंप्लीमेंट किए और जिससे लोगों को लेनिन पे फेथ ज्यादा हुआ एंड दैट्स व्हाई आफ्टर करेंसी दे सपोर्टेड लेनिन, ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि हिटलर जो था, हिटलर ने इस चीज का फायदा कैसे लिया, वीक कंडीशन का फायदा कैसे लिया, बाय मेकिंग मैनी काइंड ऑफ प्रोमिसेस with the people, ठीक है. इसमें आप ये भी बता दोगे political instability में that you can say treaty of Versailles के जो humiliating terms, harsh terms, so that was also you can say Hitler जो था, he wanted to regain the condition of Germany in the international market, and फिर उसके बाद वो सारी problems आपने बता देंगे, economic crisis. एंड डिप्रेशन. फिर 1923
से 1930 का टाइम सारा बता देना, ठीक है, क्योंकि हमने बताना है कि 1930 के नियर अबाउट हिटलर की पॉपुलैरिटी कैसे हुई। तो 1923 से लेकर 1930 तक कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस और डिप्रेशन की कंडीशन, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपने बताना है इसका बेस। फिर हमने थर्ड बताना है आगे कि थर्ड रीजन क्या था, हिटलर जो है वो कैसे की पॉपुलैरिटी हुई, कैसे जो है वो कंट्री में उसकी जो है वो रिकॉग्निशन। थर्ड जो पॉइंट बताओगे ये उसका बताओगे चाइल्डहुड, उसका पॉलिटिकल करियर, ठीक है। इसमें हमने हिटलर की इंट्रोडक्शन बताई, हिटलर का बर्थ कहां पे हुआ था, 1889, बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, एंड ही स्पेंड हिज लाइफ इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, ही वॉज वेरी पुअर, उसकी फैमिली बहुत पुअर थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो चाइल्डहुड था या उसका उसकी यंग एज थी, तो ही स्पेंड हिज लाइफ इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। एंड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही ज्वाइंड आर्मी, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिस टाइम पर में थी जर्मनी, वो एक जर्मनी का एक सोल्जर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उसने लड़ी थी। एंड व्हेन जर्मनी गॉट डिफीटेड, तो इसकी हार का जो इम्पैक्ट था वो हिटलर के माइंड पे बहुत ज्यादा था, बीइंग अ सोल्जर, उसकी बैकग्राउंड सोल्जर। तो जर्मनी जब हार गया तो हिटलर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ, और धीरे 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 उसने क्या किया, जब वॉर फिर खत्म हो गई देन ही ज्वाइंड पॉलिटिक्स, उसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। और जिस पार्टी को सबसे पहले ज्वाइन किया उस पार्टी का नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी, सबसे पहले उसने इस पार्टी को ज्वाइन किया। बाद में इसी पार्टी का नेम जो है उसको रीनेम कर दिया, रीनेम का मतलब इसने पार्टी में इतनी अच्छी तरह से काम किया तो पार्टी के मेंबर जो थे इसकी हर बात को मानते थे, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी के कुछ डायनेमिक फीचर्स थे। और इसने क्या किया, पार्टी का नाम जो है वो क्या रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसी पार्टी को बाद में इसका नेम रीनेम किया नाजी पार्टी, ठीक है। इसमें हमने उसका पॉलिटिकल करियर बताना है, दैट इन 1889 ही टुक बर्थ इन ऑस्ट्रिया, देन एक्सट्रीम पॉवर्टी ही स्पेंट, एंड आफ्टर डिफीटिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही ज्वाइंड पार्टी, द नेम ऑफ द पार्टी वाज जर्मन वर्कर्स पार्टी, एंड रीनेम द पार्टी नेशनल सोशलिस्ट, एंड लेटर ऑन दिस पार्टी अगेन रीनेम एज नाजी पार्टी, ठीक है। इसी के बाद फिर हमने इसी पॉइंट में ये भी बता देना है दैट ड्यू टू वीक कंडीशन ऑफ वाइमर रिपब्लिक, एंड एट दैट टाइम पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक इम्पैक्ट था लोगों के मन में वो डाउन हो रहा था, लेकिन इस टाइम पीरियड में हिटलर ने अपनी पार्टी यानी कि नाजी पार्टी की तरफ से लोगों के साथ कुछ प्रोमिसेस किए। प्रोमिसेस क्या किए, 100% एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या प्रॉमिस किया उसने, टू गिव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ फ्यूचर। तो पीपल दे वर वेरी यू कैन से दे शॉक कि कैसे ये पार्टी, कैसे हिटलर ऐसा करके दिखाएगा जब वाइमर रिपब्लिक की कंडीशन इतनी पुअर है, हिटलर कैसे करके दिखाएगा। सो दैट्स व्हाई दे ट्रस्टेड, उन्होंने हिटलर पे ट्रस्ट किया। एंड यू नो इन 1932 इलेक्शंस वर कंडक्टेड, बिकॉज कंट्री डेमोक्रेटिक थी ना, इलेक्शंस वर कंडक्टेड एंड नाजी पार्टी, दिस पार्टी गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, कितने, 37%। आपके लिए 37 कम होगा, लेकिन जिस टाइम की हम बात करें उस टाइम पीरियड में इतना भी लेना किसी एक पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन हिटलर ही मेड मैनी प्रोमिसेस, ही प्रोमिस पीपल टू गिव फुल एम्प्लॉयमेंट इफ दे विल इलेक्ट एंड दे विल वोट फॉर दिस पार्टी, देन सेफ फ्यूचर, वर्किंग प्लान्स, प्रॉपर वर्किंग प्लान्स इंट्रोड्यूस किए उसने कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी।
फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फैसिलिटीज मिलेगी. एंड एट दैट टाइम मेनी पीपल दे वर कन्विंस्ड विद द आइडियाज ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टी, सो दैट्स व्हाई दे गिव दे गेव देयर वोट्स एंड दे इलेक्टेड हिटलर एज देयर लीडर. एंड इन दिस वे वी कैन से दैट हिटलर ही एंटर्ड इनटू द पार्टी और गवर्नमेंट. हिटलर जो है उसने फिर क्या किया, गवर्नमेंट बनाई. एंड उस टाइम पीरियड में कंट्री के प्रेसिडेंट कौन थे, हिंडेनबर्ग. प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग. ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. और प्रेसिडेंट जो थे उससे नीचे की पोस्ट, जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट से नीचे प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह से प्रेसिडेंट से नीचे की जो पोस्ट थी वो थी चांसलर. चांसलरशिप, चांसलरशिप का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट से नीचे की जो पोस्ट, ठीक है. तो उसके लिए हिटलर का नेम जो है वो आगे रेकमेंड किया. तो दैट वाज द बिग विक्ट्री ऑफ हिटलर कि कंट्री में इतनी टॉप मोस्ट कंडीशन पे पहुंचे. तो दैट इज राइज ऑफ हिटलर, ठीक है. इसमें हमने पहले बताया वाइमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम्स, फिर हमने उसका पॉलिटिकल करियर बताया, और फिर हमने बताया उसकी जो पोस्ट, उसको कौन सी पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया जा रहा था बाय द प्रेसिडेंट. फिर हमने लास्ट में बताना है हिटलर की पर्सनैलिटी, उसकी डायनेमिक पर्सनैलिटी. डायनेमिक पर्सनैलिटी, कई बार क्या होता है एक ही पार्टी का सिर्फ एक ही लीडर पूरे लोगों की अट्रैक्शन जो है उसको बांध कर रखता है. हिटलर की बात करें तो नाजी पार्टी मतलब हिटलर और हिटलर का मतलब नाजी पार्टी. पूरी पार्टी हिटलर पे जो है वो ब्लाइंड फेथ करती. हिटलर जो कहता था पार्टी के मेंबर उसको मानते. बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल स्पीकर. आपने देखा होगा कई बार रैलीज में लोग दूर दूर से जाते हैं सुनने के लिए, ठीक है. और सुनाने वाला सिर्फ एक पर्सन होता है, सुनने वाले कितने लोग होते हैं. इसका मतलब लोग कुछ सुनने जा रहे हैं, लोगों को कुछ कुछ लग रहा है तो कुछ डिफरेंट होगा, तभी लोग रैलीज में जाते हैं. तो हिटलर की रैलीज को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते. पावरफुल स्पीकर. एंड उसने क्या किया, न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. उसने पॉलिटिक्स को सोल्जर जो है उसके साथ जो है कंबाइन कर दिया. कैसे, उसके जितने भी लीडर्स थे एंड ही हिमसेल्फ स्टार्टेड टू वियर एज अ सोल्जर ड्रेसअप. यानी कि वो लीडर कम और एक सोल्जर की तरह अपने आप को हमेशा ड्रेसअप करके रखता था. इवन हिज पार्टी मेंबर्स आल्सो, उसकी पार्टी के मेंबर्स जो थे वो भी लीडर्स कम सोल्जर की ड्रेस, यानी कि सोल्जर की तरह जो है वो ज्यादा नजर आते. और ये एक तरह से डिफरेंट आउटलुक था. मैनी पीपल दे गॉट कन्विंस्ड विद दिस पार्टी एंड न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. बहुत से लोग जो थे इसकी इस नई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से बहुत इंप्रेस हो रहे, ठीक है. अब इसकी रैलीज में लोग पार्टिसिपेट जब करते थे तो सबसे पहले होता है किसी भी पार्टी का फ्लैग और उसका सिंबल. तो हिटलर का जो सिंबल था और उसका फ्लैग, वो अपना एक अलग से फ्लैग उसने बनाया, रेड बैनर विद स्वास्तिक सिंबल, उसकी पार्टी का सिंबल. स्वास्तिक अगर देखा जाए तो हिंदू मेथोडोलॉजी में लॉर्ड गणेशा को जो साइन है वो माना जाता है. स्वास्तिक, तो ये उसकी पार्टी का सिंबल था, रेड बैनर यानी कि रेड कलर का फ्लैग और उसके ऊपर स्वास्तिक का सिंबल, ये उसका सिंबल था पॉलिटिकल पार्टी. दिस सिंबल एंड बैनर बिकेम वेरी पॉपुलर. उस टाइम पर में ये बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है. जब भी हिटलर अपनी रैलीज में पार्टिसिपेट करता था, स्पीचेस के लिए आता था, तो उसका ये स्वास्तिक सिंबल और रेड बैनर बहुत फेमस. फिर आता है नाजी सैल्यूट. नाजी सैल्यूट, पार्टी मेंबर जब भी अपने लीडर को या पार्टी मेंबर जब भी अपने हायर ऑफिशियल्स को मिलते थे तो जैसे मिलिट्री में सैल्यूट होता है
ऐसे ही सैल्यूट किया जाता था। तो ये भी देखने में ड्रिल, जैसे आर्मी की ड्रिल होती है ना, आर्मी की ड्रिल है जो बहुत फेमस होती है, अलग अलग सोल्जर जो है अपनी तरह से इसको ड्रिल करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो रिपब्लिक डे में जब आप रिपब्लिक डे परेड देखते हो तो सोल्जर्स की मूवमेंट्स को देखा करो, सबके पैर और सबके हाथ एक ही मूवमेंट में, और उसके लिए वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं। और मार्च पास्ट जो जो परेड है, ये परेड जो है वो 26 जनवरी का मेन इवेंट होता है। ऐसे ही हिटलर के जो मेंबर्स थे वो भी, उनका सल्यूट बहुत फेमस, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ सल्यूट दैट बिकेम वेरी फेमस, इवन देयर क्लैपिंग स्टाइल, उनका क्लैपिंग स्टाइल बहुत फेमस। जब भी हिटलर की स्पीचेस होती थी तो उसके बाद उसके पार्टी मेंबर्स ड्रम के साथ क्लैपिंग जो है वो बहुत फेमस होती थी। तो ये सारा जो था हिटलर का अट्रैक्शन लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ, और लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे, सुनने आते थे, उसकी रैली में पार्टिसिपेट करते थे। दिस इंक्रीज द यू कैन से पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर अमंग जर्मन पीपल। तो लोगों को लगा उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम में वाइमर रिपब्लिक सबसे वीक जा रही थी, एट दैट टाइम दे कंसिडर्ड हिटलर एज सेवियर, सेवियर ऑफ सोसाइटी। सेवियर का मतलब होता है जो सोसाइटी को सेव करे, या जैसे लोग मसीहा मान लेते हैं, कि उनको कुछ लोग तो हिटलर को एज अ गॉड मानते थे, वो हिटलर पे ब्लाइंड फेथ करते थे, इवन उसके पार्टी मेंबर्स भी। उनको लगता था कि जर्मनी की जो वीक कंडीशन है, इस वीक कंडीशन को सिर्फ अपलिफ्ट कौन कर सकता है, हिटलर। एंड विद दिस हम ये कह सकते हैं कि हिटलर की पॉपुलैरिटी, नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी का मेन बेस क्या था, वीक कंडीशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, डिप्रेशन। ये आपने बिल्कुल शॉर्ट में बताना है, लेकिन डिटेल में हमने बताना है हिटलर की पर्सनैलिटी, उसका पॉलिटिकल करियर और उसका जो है उसके जो जो भी उसके प्रॉमिसेस, उसको हम इसमें डिटेल में बताएं, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ हिटलर बिकेम पॉपुलर, ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी के रीजन क्या थे, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि हर कंट्री में बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की पॉलिसीज जो हैं अडॉप्ट होती हैं बाय द डिफरेंट रूलर्स। सम पीपल आर सेटिस्फाइड एंड सम आर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन हिटलर जो है, हिटलर को वर्ल्ड का तानाशाह कहा जाता है, डिक्टेटर। जब भी हिटलर की बात आती है ना, तो हिटलर की जो गवर्नमेंट, उसने कौन सी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की, डिक्टेटर। डिक्टेटर कौन होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटर। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, इन विच पीपल दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड पीपल हैव राइट टू चेंज द रिप्रेजेंटेटिव्स इफ दे आर नॉट डूइंग और इफ दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर पॉलिसीज फॉर द पीपल। व्हाट इन द डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, पावर इज ओनली इन वन और ग्रुप ऑफ पीपल। जो पावर होती है ना, वो सिर्फ सिंगल या एक पर्सन के हाथ में होती है या कुछ ग्रुप्स के हाथ में। लेकिन जर्मनी की बात करें तो सारी पावर्स जो थी वो किसके पास थी, सिंगल, यानी कि इन द हैंड्स ऑफ हिटलर ओनली। हिटलर का कहा गया हर वर्ड लॉ बन जाता, और हिटलर को अपने किसी भी लॉ के लिए किसी तरह की काउंसिल या किसी तरह से पार्लियामेंट जो है उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने क्या किया, कंट्री में डेमोक्रेसी को हटाकर कंट्री को डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, तो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, हाउ हिटलर डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप, ठीक है। कैसे हिटलर ने क्या किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट किया और डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश किया। तो अब हम आगे, हमारा टॉपिक है, अब हमने पहले हमने जाना कि हिटलर से पहले की कंडीशन क्या थी जर्मनी, फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से हिटलर जो है उसकी पॉपुलैरिटी हुई। अब हमने हिटलर के नेगेटिव पॉलिसीज या हिटलर का रॉन्ग एक्ट बताना है कि कैसे हिटलर ने
एक डेमोक्रेटिक कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज करके डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश की और प्रेसिडेंट को हटाकर सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। कैसे उसने किया है ना, वो हमने बताया। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट हमने बताना है, ठीक है, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग। मैंने आपको भी बताया था जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम में जर्मनी के, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग, ही ऑफर्ड पोस्ट ऑफ चांसलर। उसने क्या किया, हिटलर को चांसलर की पोस्ट ऑफर, चांसलर। ठीक है, देन जब हिटलर कंट्री का चांसलर बन गया तो ये उसकी सेकंड पोजीशन, बट हिटलर ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद सेकंड क्योंकि वो नंबर वन पे आना चाहता था। और उसने उसने इसलिए उसने क्या किया, एक हम कहते हैं कि इंसिडेंट प्लान किया, और इस इंसिडेंट को कहा जाता है फायर इंसिडेंट। क्या हुआ ये फायर इंसिडेंट? मींस पार्लियामेंट, यानी कि जिस टाइम पर मैं हिटलर को चांसलर बनाया गया, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग थे, तो इनकी पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती थी। पार्लियामेंट की मीटिंग जैसे हमारी कंट्री में लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग्स आप देखते हो, तो ऐसी मीटिंग्स होती। एक पर्टिकुलर डे जब मीटिंग हो रही थी तो व्हाट हैपेंड, फायर ब्रोक आउट इन पार्लियामेंट। कंट्री में क्या हुआ, पार्लियामेंट जो है उसमें आग लग गई। एंड इस इंसिडेंट में प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ही डाइड ड्यू टू फायर इंसिडेंट। अब प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग की जब डेथ हो गई, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नेचुरल था, बट सम पीपल दे थॉट दैट दिस वाज कॉन्स्पिरेसी प्लान्ड बाय द हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी। बट आफ्टर द डेथ ऑफ हिंडेनबर्ग, सेकंड पोस्ट पे कौन थे, चांसलर हिटलर। तो हिटलर ने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया, इस कंडीशन का फायदा उठाया, ठीक है। उन्होंने हिटलर को 30 जनवरी 1933 हिटलर को क्या बना दिया, कंट्री का चांसलर। 30 डेट्स अब याद रखना ये सारी, 30 जनवरी 1933 को हिटलर ही वाज डिक्लेयर्ड चांसलर बाय द प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग। बट हिटलर वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही मेड सेवरल प्लान्स टू कम अप ऑन द फर्स्ट पोजीशन, and that's why fire broke out, and in this incident president Hindenburg he was killed, or you can say he died, and iske baad is condition ka fayda liya. aur Hitler ne kya kiya, 28 February 1933 usne ek naya law bana diya, aur is law ko kya bolte hain, kyunki fire ka ek result tha to isko banaya फायर डेक्री। डेक्री का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, फायर ऑर्डर। 28 February 1933 फायर ऑर्डर का मतलब होता है फायर डेक्री, यानी कि उस फायर का फायदा लेकर इसने एक नया लॉ बनाया, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ही सस्पेंडेड civil rights of German people. उसने क्या किया, जर्मनी के लोगों के जो राइट्स थे, सिविल राइट्स, दैट वर सस्पेंडेड। अब लोग अपने राइट्स जो हैं वो क्लेम नहीं करेंगे, और इससे क्या होगा, हिटलर इजीली लोगों पे कंट्रोल करेगा, ठीक है। राइट्स ले लेना मतलब जो भी लोगों को राइट्स दिए गए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, these were taken back. इन राइट्स को वापस ले लिया गया, एंड कंट्री में क्या लगा दी गई, एमरजेंसी, एमरजेंसी लगा दी गई, जिससे क्या होगा कि लोग अब किसी भी तरह से हिटलर और पुलिस के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और अगर ऐसा करेंगे तो हिटलर और उसकी पार्टी या पुलिस उनको अरेस्ट कर सकते, ठीक है। कंट्री में राइट्स को सस्पेंड कर दिया ड्यू टू दिस इंसिडेंट, एमरजेंसी लगा दी। और इसी एमरजेंसी का फायदा लेकर कुछ दिनों के बाद 3 मार्च 1933 उसने कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसने डिक्लेयर कर दिया दैट नाउ जर्मनी विल बी एनेबल एज डिक्टेटर कंट्री,
और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस एक्ट को एनेबलिंग एक्ट, ठीक है। उसने क्या किया, 3 मार्च 1933 को जर्मनी का स्ट्रक्चर टाइप ऑफ गवर्नमेंट चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, और उसने डिक्लेयर कर दिया नाउ जर्मनी इज कंसिडर्ड एज डिक्टेटर कंट्री। और ये जो एक्ट, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग उसने ऐसा किया, उस एक्ट को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, 3 मार्च 1933 एनेबलिंग एक्ट। क्यों कहते हैं इसको एनेबलिंग एक्ट, क्योंकि उसने क्या किया, ही एनेबल्ड जर्मनी एज अ डिक्टेटर कंट्री एंड डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी फ्रॉम द जर्मनी। यानी कि अब लोगों के राइट टू वोट, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का राइट, या लोगों का ऑपोजिशन कर या क्रिटिसाइज करने का राइट, या यूनियंस बनाने का राइट, स्ट्राइक करने का राइट जो था, दैट ऑल वॉज टेकन बैक बाय पासिंग फायर ऑर्डर 28 फरवरी 1933। लोगों के राइट्स जो थे वो सस्पेंड कर दिए, एंड नेक्स्ट मंथ यानी कि 2-3 दिनों के बाद 3 मार्च 1933 ही एनेबल्ड जर्मनी एज डिक्टेटर कंट्री बाय पासिंग एनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933। एंड विद दिस वी कैन से दैट ही एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन द कंट्री। ये तो अभी कुछ भी नहीं था, ये तो स्टार्टिंग थी, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको जस्ट ये बताया कि ये तो भी स्टार्टिंग थी। इसके बाद हिटलर ने बहुत से ऐसे एक्ट्स किए, ये इसी पार्ट को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने फिर हिटलर की आगे पॉलिसीज बतानी है कि उसने किस तरह से कंट्री में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट किया। ये तो आपका फर्स्ट और सेकेंड हेडिंग बनेगा। फर्स्ट हेडिंग बनेगा आपका फायर इंसिडेंट, सेकेंड हेडिंग बनेगा आपका एनेबलिंग एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाई, हाउ हिटलर डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी by passing different kind of acts, कौन कौन से नए laws पास किए, और आए दिन वो किस तरह से लोगों की डेमोक्रेसी उनसे वापस ले रहा। क्लियर? हाँ जी, एनी डाउट?